महिला दिवस के मौके पर राजस्थान में भी महिलाओं के सम्मान में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान जोधपुर में राजस्थान भारत स्काउट गाइड और बुलबुल ने रैली निकालकर महिलाओं को जागृत करने का संदेश दिया। इस रैली को जोधपुर नगर निगम दक्षिण की महापौर वनिता सेठ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली भारतीय स्काउट गाइड के हेडक्वार्टर से रवाना होकर कई मार्गों से होती हुई भारतीय स्काउट गाइड हेडक्वार्टर पर पूरी हुई। वहीं रैली के दौरान महिलाओं को आगे आने का संदेश भी दिया गया। वहीं जैसलमेर में भी महिलाओं के सम्मान में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जैसलमेर में महिला दिवस के दौरान चल रहे 10 दिवसीय गैर आवासीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है। इसमें जैसलमेर ब्लॉक में कार्यरत कई विद्यालयों की 63 महिला शिक्षिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। मुख्य प्रशिक्षिका दीपिका और जागृति तिवारी ने शिक्षिकाओं को कराटे की जानकारी दी। वहीं प्रशिक्षण के बाद महिला शिक्षिकाओं की ओर से अपने अपने विद्यालयों की बालिकाओं को ये अभ्यास करवाया जाएगा। इसमें ना 70 महिलाएं हैं, ये पूरा शिक्षा विभाग से संबंधित है और जैसलमेर ब्लॉक की महिलाएं, ये महिला आगे मास्टर ट्रेनर बन के जाएगी और अपनी स्कूल की बालिकाओं को आत्मरक्षा सिखाएगी ताकि भावी जीवन में जो अभी बालिकाओं से संबंधित समस्याएं वो उसका सामना कर सके। इसके अंदर है ना मार्शल आत्मरक्षा के तहत इसके अंदर 3 गुण, एक तो इसके अंदर योगा को शामिल किया गया है, योगा से उनमें आत्मविश्वास जागे, वो शारीरिक मानसिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहे, और इसके तहत इसके अलावा इसमें जूडो के कुछ स्टेप शामिल किए गए, इसमें कराटो को भी शामिल किया और टाइकोंडो को, इन सबको मिला के 4 चीज़ों को मिला के इसमें आत्मरक्षा, इसमें कई ऐसे गुण हैं जो सबकी अच्छी चीज़ें शामिल की गई जो बालिकाओं के आने वाले भावी जीवन में उन्हें समस्याओं से उनके ऊपर जो होती है आजकल जो समस्याएं बालिकाओं की हो रही है वो उनसे लड़ सके, उन चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। बालिकाओं को यही सिखाया जाता है कि आप सिटी बसों में जाते हो, आप बाहर पढ़ाई कर रहे हो, आज आपको कभी अगर कोई पुरुष के या लड़कों के द्वारा आप पे हो तो जेंट्स के माध्यम से ही हम उनको यहाँ पूरा बताते हैं। जेंट्स को मैम, हम खुद MT है ना, मास्टर ट्रेनर, उनको सामने खड़े के कैसे जेंट्स हम पे अटैक कर रहा और हम कैसे बचाव करें, उसके लिए साक्षात हम जेंट्स को लेके आए हैं यहाँ। इसीलिए आज महिलाओं को जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा पर हर बार आपराधिक किस्म के लोग सेंध कर जाते हैं, लेकिन अब महिलाओं को ही उनकी सुरक्षा करने के गुर सिखाए जा रहे हैं। पंजाब के CTV राजस्थान के लिए जोधपुर से जितेंद्र रोडी के साथ जैसलमेर से गणपत दैया की रिपोर्ट।